एक तरफ हेमंता विश्व शर्मा और एक तरफ हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। कल ये जेल से निकले हैं तो सत्यमेव जयते क्यों बोले? तो घुसने समय सत्यमेव जयते क्यों नहीं बोले, निकलते समय सत्यमेव जयते बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने तो पकड़ के जेल में नहीं घुसाया है, पटाखा फोड़ देने से, विजय जुलूस निकाल लेने से ये मसीहा नहीं हो सकते। नमस्कार दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आसाम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा आज झारखंड पहुंचे हैं और झारखंड के वो सह प्रभारी भी हैं। और झारखंड में क्या कुछ कमी रह गई थी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आदिवासी नेता पिछड़ गए थे, तो आज आदिवासी नेताओं के घर घर घूमकर समीक्षा बैठक, एक तरह से कह लें कि एक औपचारिक मुलाकात भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ बात कर रहे हैं समीर उड़ाव से हेमंता विश्व शर्मा, हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, आज हेमंता विश्व शर्मा आए हैं, झारखंड के सब प्रभारी भी हैं, क्या कुछ बातें हुई वो ट्राइबल नेताओं से मिल रहे हैं आज घर घर जाकर? आज सौभाग्य के विषय है कि हमारे आवास पर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के इलेक्शन इंचार्ज अपने प्रवास में आए थे और हमारे यहाँ चाय पीने के लिए आए थे। चूँकि मैं पहले भी असम जाता रहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटी मोर्चा को होने के नाते कई बार ट्राइबल इश्यूज पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने बोला था कि एक दिन मैं झारखंड प्रवास में आऊँ तो आपके यहाँ चाय पीने के लिए आऊँगा। वही चाय पीने के लिए आज आए थे और चाय पीते पीते, यहाँ भी आगामी विधानसभा का चुनाव है, चुनाव में सब लोग मिलजुल करके बढ़िया करना है, यही बात हुई। तो हेमंता विश्व शर्मा आपके पास भी आए हैं, अर्जुन मुंडा के यहाँ जाएंगे, अभी सीता सुरेन से मुलाकात हुई है उनकी, आदिवासी नेताओं के साथ ही क्यों ये बैठक या फिर मुलाकात? अगर जनरल के यहाँ जाते तो लोग भी आप बोलते कि जनरल के यहाँ ही क्यों जा रहे हैं, आदिवासी के यहाँ नहीं जा रहे हैं? बोलते आदिवासी के यहाँ जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि आदिवासियों के यहाँ ही क्यों जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये तो कोई विषय नहीं है, उनका अपनी इच्छा है, कहाँ कहाँ जाना है, मिलना जुलना अपना कर रहे हैं। अच्छा, चाय पे जो चर्चा हुई है वो विधानसभा चुनाव को लेकर हुई? चाय की चर्चा में सिर्फ जो है, आप भी जानते हैं पारंपरिक रूप से चाय में जो चर्चा होती है एक दूसरे की सुख दुख की ही चर्चा होती है। कहीं भी आप देखिए, आपके घर में भी कोई आते होंगे, चाय जब पिलाते होंगे तो कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं पढ़ाई, कैसा चल रहा है, केवल इतनी ही बात होता है। तो हम लोग सुख दुख का अपना चर्चा किए हैं। हेमंता जी के झारखंड दौरे से कितना बल मिलेगा यहाँ के कार्यकर्ताओं को, क्या कुछ गुण सिखा के जाएंगे? देखिए, हेमंता जी केवल असम के मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रीय नेता भी है बीजेपी के। हमारे आदरणीय शिवराज जी चौहान जी है, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय नेता भी हैं। आप दोनों को यह दायित्व तो मिला है कि हाँ आगामी विधानसभा में हम लोगों को जीत हासिल करना, तो राजनीति का कार्य और कार्यक्रम चलते चलते ही स्ट्रेटेजिकल और बाकी चीज़ें होते होते आगे बढ़ता है। तो हम लोग कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, काम करते करते हम लोग आगे कितना सफलता पाएंगे वो समय ही बताएगा, पहले से ही कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चाहे किसी भी दल के लोग हो वो पहले से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले से दृढ़ इच्छा शक्ति पूरा इतना मतलब प्रबल है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। दादा, एक आखिरी सवाल, अभी जगह जगह पोस्टर देख रहे होंगे कि साजिशों का खेल हुआ खत्म, आ गया अपना हेमंत, एक तरफ हेमंता विश्व शर्मा और एक तरफ हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोई साजिश नहीं था, अगर आप उसको साजिश मानते हैं तो कल ये जेल से निकले हैं तो सत्यमेव जयते क्यों बोले? जेल घुसाने वाला भी कोर्ट है और कोर्ट से जो अभी बेल मिला है उसमें भी कोर्ट है। तो घुसने समय सत्यमेव जयते क्यों नहीं बोले, निकलते समय सत्यमेव जयते बोल रहे हैं? है? ये बात आपको समझने की जरूरत है, लोगों को भी समझने की जरूरत है। ये जो है कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने उसको घुसाया, कोर्ट ने उनको बेल दिया, तो निकलते समय सत्यमेव जयते और घुसते समय जो है माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने इनको जेल में घुसाया, उस समय भी तो सत्यमेव जयते बोलते, कोर्ट ने तो उसको ले गया, हेमंत सोरेन जी को
नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने तो पकड़ के जेल में नहीं घुसाया है, इसलिए जो है ये बातों को भी समझना और समझाना चाहिए। जो बोले वही नहीं हो सकता है, इसलिए ये जनता अब जागरूक हो रही है, धीरे धीरे जान रही है। कुछ हमारे लोग जो है वो नहीं जानते, उनको बरगला के, गुमराह करके, फुसला करके ये लोग केवल वोट बैंक बनाने का काम करता है। अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। अब हेमंत बाबू ने ही कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। अब सरकार का टर्म पूरा होने में कितना महीना बचा है, जनता जान रही है, आप भी जान रहे हैं। उन्होंने कितने नौकरी दिया और नौकरी नहीं देने पर भत्ता देंगे, कितने लोगों को भत्ता दिया। तो ये कितने दिनों से भ्रमित करते, ठगते, फुसलाते, वोट बैंक बना रहे जनता, अब जो है सारी चीज़ों को जान रही है और वो जनता सबक सिखाएगी। अभी लोकसभा में भी बहुत परगलाने का काम किया, अब लोग जो है महसूस कर रहे हैं कि हमको गुमराह करने का काम किया है, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। इस प्रकार से गांव में चर्चा भी शुरू हो गया। मतलब हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद भी कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल। कौन सत्याग्रह करके वो बाहर निकले है क्या? वो देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए वो जेल के अंदर गए थे क्या? जेल में तो अहित किया था जिसके चलते गए थे, तो उसके निकलने से कौन सा ऐसा सत्याग्रह आंदोलन के हीरो है इसलिए परिवर्तन अब आ गया, ऐसा तो कुछ दिखाई, ऐसा कुछ है भी नहीं। इसलिए ये पटाखा फोड़ देने से, विजय जुलूस निकाल लेने से ये मसीहा नहीं हो सकते, इसलिए कि जनजाति का बहुत दोहन हुआ है। आज जो है पहाड़ के क्षेत्रों में खाली जनजाति रहता है, वहाँ रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो जनजाति का हित ऐसी कहलाते हैं। आज जो है जनजातियों के इतना मर्डर, अत्याचार, दुष्कर्म हो रहा है, बोलते हैं जनजाति। हमारे वीर सिद्धू कान्हू का वंशज जो है उसका हत्या कर दिया, इसके बाद में आदिवासी का हित ऐसी बोलते हैं। रिबी का पहाड़िया प्रिमिटिव ट्राइब किसी तरह से जीते खाते लोग पहाड़ में रहते हैं, उन लोगों का तो ठीक से न शिक्षा, न पढ़ाई, न रोजगार की व्यवस्था की, बल्कि 50 टुकड़ों में उसका हत्या कर दिया जाता है। तो कहाँ आदिवासी का सेवा करने वाला है? इसलिए इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बीजेपी पिछले दिनों में विकास का काम किया है, दिखा है, दिखाया है, अब जो है इस बार भी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है यहाँ की जनता। कुछ खा लीजिए। ये थे हमारे साथ समीर उड़ाव जी, जो इस बार लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से अपने भाग्य आजमा रहे थे, लेकिन चूक रह गई, यानी बीजेपी में कहीं ना कहीं चूक रह गई कि ट्राइबल नेता जो थे, जो आदिवासी कैंडिडेट्स थे, वो इस बार लोकसभा विजयी नहीं हासिल कर पाए। अब इसी को देखते हुए अब झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त अब सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा आदिवासी नेताओं के घर घूम रहे हैं और टिप्स यानी गुड़ सिखाते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।